और 23 साल से 40 साल तक गृहस्थ आश्रम का खूब आनंद लूटना चाहिए और 40 साल से 50 साल तक ईश्वरीय भजन में मग्न रहना चाहिए और 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए, ऐसा परमात्मा बताता है। अगर इस नियम से चलेंगे तो फिर जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। जब गजेंद्र निहत्ता हो गया, भगवान को पुकारा, परमात्मा आए और ग्राह के मुख से गजेंद्र को बचाया। बोली सच्चिदानंद भगवान। असुरों का साम्राज्य जब पृथ्वी पर बढ़ा, देवता चिंतित हो गए, क्योंकि असुर कोई भी धर्म कार्य करने नहीं देते थे, हर मंगल कार्य में विघ्न पैदा करते थे। तो असुर विहीन धरती को बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने एक सुंदर नीति का निर्माण किया, जिसको कहा गया सागर मंथन। सागर को मथने की तैयारी शुरू हो गई, मंदिराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। आप जानते हो भारत के किस राज्य में सागर मंथन हुआ था? किस राज्य में 14 रत्न सागर के उदर से निकले थे? किस राज्य में अमृत की नदियां बही थी? कहां पर ये सारी चीजें पैदा हुई जानते हो? जहां पर सागर मंथन हुआ, आज भी उस हिस्से का जो जल है वो मीठा है, अमृत तुल्य कहा गया है। सागर के उदर से सबसे पहले जो अमृत निकला उसका नाम है विष। विष को भी अमृत कहा है, विष भी एक प्रकार का रत्न है। जब सागर को पहली बार मथा जा रहा था तो मंदिराचल पर्वत पानी में डूबने लगा। मंदिराचल पर्वत जब पानी में डूबने लगा तो सारे देवता घबराए और सीधे वैकुंठवासी नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा, डोंट वरी बी हैप्पी, बोलो जय श्री हरि, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना और हम हैं तो फिर क्या गम है, चलो देखते हैं मंदिराचल कैसे डूब रहा है जल में। वासुकी नाग के मुख की तरफ सारे दानव खड़े हैं और पूंछ पकड़ करके सब देवता खड़े हैं, क्योंकि दानवों में और देवताओं में एक कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि जो भी वस्तुएं सागर से बाहर आएगी उन पर आधा आधा 50-50 हमारा अधिकार होगा। तभी तो इतना बड़ा सागर मंथन हो गया। संसार में जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो दुनिया वाले सबसे पहले गालियां देते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। जब जब आप समाज में कोई अच्छा काम करने जाओगे तो सबसे पहले बुराई पाओगे, सबसे पहले लोग आपको ताना मारेंगे, बुरा भला कहेंगे। अगर आप लोगों के बुराई वाले शब्दों को, लोगों के बुराई वाले कटु वचनों के विष को पी गए तभी आपको अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अगर आप दुनिया की बातों से डर गए तो फिर अमृत आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ये कभी मत सोचो, धर्म कार्य करते समय, भगवान का काम करते समय, आध्यात्मिक बनते समय, ईश्वरीय कार्य करते समय, दान धर्म करते समय, पूजा पाठ करते समय, व्रत उपवास करते समय, ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। ये भवरोग है, लोग क्या कहेंगे। लोगों को लोगों का काम करने दो और आप अपना काम करो, क्योंकि ये तो दुनिया है। दुनिया कभी किसी को अच्छा नहीं कहेगी, ये गांठ बांध दो। इसीलिए तो जो दुनिया से सताए लोग हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं बताऊं? लोग कहते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, क्या तेरे मन में समाए।
अपनी मस्ती में जीते हैं, हमको दुनिया से क्या लेना देना, क्यों? क्योंकि हमारी तो प्रेम की डोर, हमारी तो प्रीत की डोर केवल उस ठाकुर से जुड़ी है, और एक बार उस ठाकुर से जुड़ गई तो फिर हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो उससे लेना देना है। इसीलिए तो कहते हैं, मेरी लगी शाम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग शाम संग दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया जाने, मेरी नगी शाम संग प्रिय दुनिया।
लगन लगी है ठाकुर जी के साथ, उसको फिर कुछ नहीं समझ में आता। केवल वो जहां भी देखता है वहां उसे परमात्मा ही नजर आता है। सागर मंथन में भी कुछ इसी प्रकार से कार्य शुरू हो गया। भगवान नारायण ने आज कच्छप अवतार धारण किया, कछुए का रूप बनाया और मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले सागर में से विष बाहर आ गया। उस विष के प्रभाव से पृथ्वी जो है वो जहरीली होने लगी, जर्जर होने लगी, विष अपना प्रभाव दिखाने लगा। देवी देवता फिर घबराए, दौड़ कर गए कैलाशपति के पास। भगवान कैलाशपति ने कहा कि हम हैं तो क्या गम है, चलो अब हमें भी मौका मिला है विश्व कल्याण का, देव कल्याण का। तो परमात्मा ने वो विष का प्याला उठा लिया और पीना प्रारंभ कर लिया। जो संसार के सुख के लिए विष पी जाए वही तो है देवों के देव महादेव। बोलिए उमापति महादेव की। जिसने देव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए विष का प्याला पी लिया, उस विष को पेट में उतरने नहीं दिया। भगवान बता रहे हैं कि संसार लाख आपकी निंदा करे, आपके धर्म कार्य को न सहारे, फिर भी आप बुरा मत मानो, उनके निंदा के घूंट को आप कंठ में ही धारण कर लो, पेट में उतरने ना दो। परमात्मा भगवान सदाशिव ने जहर को आज अपने गले में धारण कर लिया और उस विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया और परमात्मा को एक नया नाम मिल गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। नीलकंठेश्वर का रूप ले, विष पीते पीते थोड़ा विष इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, तो नीचे जो जहरीले जीव रेंग रहे थे, जैसे सांप है, बिच्छू है, डेंडू है, ये सब ऐसे नीचे घूम रहे थे, तो इन्होंने अपना अपना मुंह खोल लिया और भगवान के मुंह से गिरते हुए जहर को अपने मुंह में ले लिया। तो भगवान सदाशिव ने देखा कि मेरे साथ साथ इन जीवों ने भी आज सत्कर्म किया है, इस जहर को धरती पर गिरने नहीं दिया है, इसलिए मैं इन्हें वरदान देता हूँ कि आज से इनकी पूजा पृथ्वी पर होगी। उस दिन से आज तक नाग जाति की पूजा होना शुरू होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान। फिर भगवान सदाशिव का सभी देवी देवताओं ने धन्यवाद किया, सागर मंथन आगे बढ़ा। सागर मंथन से उच्चेश्वरवा नाम का घोड़ा प्राप्त हुआ, देवताओं ने रख लिया। ऐरावत नाम का हाथी प्राप्त हुआ, देवताओं ने रख लिया। फिर आगे बढ़े तो सुंदर कामधेनु आज सागर के उधर से प्रकट हो रही है। कामधेनु को देख करके आज सभी ने माँ को प्रणाम किया, बोलिए गौ माता की। गाय को माता इसलिए कहा गया क्योंकि वो कामधेनु है। सागर के उधर से, रत्नाकर के उधर से आज कामधेनु का जन्म हुआ, इसीलिए कामधेनु को माता कहा गया। जो गाय पालेगा, जो गाय की सेवा करेगा, जो गौमूत्र का सेवन करेगा, जो पंचगव्य का सेवन करेगा, जो गौ माता की नित्य आराधना करेगा, उसे कभी भी नरक की आदि और व्याधि भोगना नहीं पड़ेगी। बोली सच्चिदानंद भगवान। गौ माता के दूध में और भैंस के दूध में जमीन आसमान का फर्क है। अगर प्रैक्टिकल करना चाहो घर पे तो करके देखो। अगर आपके घर में दो जुड़वा बच्चे हैं जो अभी अभी जन्म लेकर के आए हैं, एक ही महीना हुआ है, तो एक बच्चे को आप भैंस का दूध पिलाओ और दूसरे को गाय का दूध पिलाओ, आप देखोगे 6 महीने के बाद कि भैंस का जो बच्चे का दूध पी रहा है जो बालक, वो बालक एकदम सुस्त पड़ा रहेगा, मस्त पड़ा रहेगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जो बालक गाय का दूध पिएगा वो बच्चा एकदम चंचल रहेगा, मार्मिक रहेगा, हलचल करता रहेगा, वो सुस्त नहीं रहेगा। गाय के दूध में चेतना होती है और भैंस के दूध में वो चेतना नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी लेकर के जाओ और
गाड़ी के सामने अगर बहुत सारी भैंसे आ जाए तो कितना भी हॉर्न बजाओ लेकिन वो नहीं सरकती। अगर गौ माताएं आ जाएगी तो एक हॉर्न पर ही वो बाजू में हो जाएगी, साइड में हो जाएगी। भैंस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भैंस का बच्चा पैदा होता है तो वो कभी भी माँ नहीं कहता, लेकिन गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो गाय उस बच्चे को चाटती है और चाटते ही वो बच्चा उछलने कूदने लग जाता है और एक ही सुर में पूरे संसार में आवाज करता है माँ। गाय का बच्चा पैदा होते ही माँ बोलता है, इंसान का बच्चा पैदा होते ही माँ बोलता है क्या? कितनी श्रेष्ठ है गौ माता। गौ माता की दूध के द्वारा बनाई गई हर वस्तु में श्रेष्ठता है, पवित्रता है। गाय के अंदर सब देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ माता की पूजा हर घर में होनी चाहिए। कलयुग में तो होनी ही चाहिए। कुत्ते बिल्ली पालना छोड़ो और हर घर में एक गौ माता पाली जानी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। जिस घर में गाय की सेवा है, तुलसी की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, माता पिता की सेवा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, उसी घर में पूरे संसार का हर सुख विद्यमान है। प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए, आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलिए। बोलिए राधा रानी सरकार। उसके पश्चात पारिजात नाम का वृक्ष निकला, फिर सागर मंथन आगे बढ़ा, मदिरा लिखी, मदिरा दानव ने, फिर सागर मंथन आगे बढ़ा। आप देखो, मदिरा जब लिखी तो मदिरा देवताओं ने नहीं रखी, मदिरा किसने रखी, किसने रखी? दानव ने। ममता दीदी मन से नहीं कह रही, इतिहास गवाह है, भागवत गवाह है, रामायण गवाह। किसने रखी मदिरा? दानव ने। फिर भी हम समझते नहीं हैं, हैं? समझदार को इशारा काफी है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझा तो दुनिया की नजर में वो ना समझ है। फिर सागर मंथन आगे बढ़ा, माता लक्ष्मी रत्नाकर के उदर से प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने सब देवी देवताओं को प्रणाम किया और भगवान श्री हरि के गले में वरमाला पहनाई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। फिर अंत में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी आए, और जब भगवान धन्वंतरी आए तो उनके हाथों से अमृत का कलश छीन लिया दानवों ने। चारों तरफ दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते छीना, झपकी में अमृत की बूंदे प्रयागराज में गिरी, त्रिवेणी संगम में। तो वहां 12 वर्ष के पश्चात कुंभ का मेला लगने लग गया। वहां से दौड़ते दौड़ते हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी में कुछ अमृत की बूंदे गिरी तो वहां अर्ध कुंभ की स्थापना हो गई। फिर वहां से दौड़ते दौड़ते छीना झपटी में महाराष्ट्र पहुंचे, गोदावरी के किनारे नासिक त्र्यंबकेश्वर में, वहां गोदावरी जी में अमृत की बूंदे गिरी, वहां भी कुंभ का मेला लगने लग गया। फिर वहां से भागते भागते छीना झपटी में इधर पहुंचे, मध्य प्रदेश अवंतिका नगरी, उज्जैन नगरी, शिवराजी में कुछ बूंदे गिरी, वहां सिंहस्थ कुंभ का मेला प्रारंभ हो गया। अब दानों के हाथ से वो अमृत कलश लेना जरूरी था, तो भगवान नारायण ने मोहिनी बन गई। अब देखिए, मेरे विधाता को क्या जरूरत थी महिला बनने की, क्या जरूरत थी स्त्री बनने की, लेकिन परमात्मा यहाँ ये आदेश दे रहे हैं संसार को कि जब आध्यात्म के मार्ग में या किसी भी कार्य को करते समय अगर पुरुष जाति से कोई कार्य न बनता हो तो उन्होंने अपनी महिलाओं को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि महिला को कार्य करने की वो परमात्मा को पहनने के लिए दिया है। बड़ी सी चोली पहनने के लिए दी है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक रूप बनाया ठाकुर जी ने, बड़ी लंबी सी चोटी और बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया ठाकुर जी ने मोहिनी का, जो पूरे संसार को मोहित कर रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जब पूरे रूप का दर्शन कर रही थी भगवती तो देखा
कि पैर जो है वो घाघरे से बाहर निकल रहे हैं, पांव जो है ठाकुर जी के बहुत बड़े बड़े हैं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, बोले भगवान आप अगर इतने बड़े बड़े पैरों को दिखा करके जाओगे तो दानव पहचान जाएंगे कि आप मोहिनी नहीं हो, आप तो मोहन हो। क्योंकि महिलाओं के पैर की पहचान यहीं से होती है। महिलाओं के पैर जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो प्रभु वो लोग जान जाएंगे कि आप कौन हो, इसलिए पैरों को ढक लो, पैरों को छिपा लो। तो अपना जो घाघरा है उसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, पैर ढक लिए, मोहिनी रूप बनाया ठाकुर जी ने, दानों को मोहित कर लिया, उनसे अमृत कलश छीन लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। और जब अमृत पिलाया जा रहा था तो राहु का दिमाग थोड़ा सा ठंड रहा। राहु ने सोचा कि ये महिला सबसे पहले देवताओं को अमृत पिला रही है, आखिर है कौन। तो राहु रूप बदल करके देवताओं के बीच में जाकर के बैठ जाता है, चंद्र और सूर्य के बीच में। अब जब परमात्मा ने देखा कि चंद्र सूर्य के बीच में राहु बैठ गया है, अगर इसे मैं अमृत नहीं दूंगा तो ये सारा भेद खोल देगा, सारी पोल खोल देगा, तो उसे भी थोड़ा सा अमृत दे दिया। अब चंद्र सूर्य ने देखा कि अरे हमारे बीच में ये नया भगवान कहां से आ गया, इसे तो कभी हमने देवलोक में देखा नहीं। तो चंद्र और सूर्य बोल पड़े, ठाकुर जी अनर्थ हो गया, आपने दानों को अमृत पिला दिया। और जैसे राहु ने सुना कि मुझे पहचान लिया गया तो राहु भागने लगा, और परमात्मा ने वहीं पर फटाफट स्पीड में सबको अमृत पिला दिया और सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। राहु ने कहा, आपने दानों के साथ में छल किया है, मैं सूर्य और चंद्र को श्राप नहीं, मैं ग्रहण लगाऊंगा इनके चरित्र पर, इनके जीवन पर। उस दिन से आज तक वो ग्रहण लगने लग गए। पूर्णिमा पर ग्रहण लगता है, अमावस्या पर ग्रहण लगता है, और हम सब साधक साधना करके परमात्मा को उस ग्रहण से मुक्त कराते हैं। इस प्रकार भगवान ने दानवों के अत्याचार से बचाने के लिए देवताओं को हमेशा के लिए अमर तत्व प्रदान कर दिया। और भगवान नारायण की सभी ने आज स्तुति गाई है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान का धन्यवाद किया है। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नार
भगवान वामन साक्षात परमात्मा का अवतार है, बटुक रूप लेकर के आए हैं। अदिति और कश्यप महाराज जी के जीवन को, ग्रस्त आश्रम को कृत कृतार्थ किया। पयोव्रत का फल अदिति देवी को प्राप्त हुआ। भाद्रपद मास वामन एकादशी द्वादशी के मध्य में परमात्मा वामन प्रकट हुए। 7 वर्ष के बटुक जब पृथ्वी पर चलने लगे तो पृथ्वी डोलने लगी उनका दर्शन करके। इसीलिए तो कहा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। कल हमने देखा ना, जब वो चल रहे थे तो कैसे पृथ्वी डोल रही थी, फिर आप तक आए, आपने उनकी झोली में भिक्षा दी। संसार में दान लेने वाले से देने वाला बहुत बड़ा होता है। राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जब पहुंचे तो राजा बलि ने उनका बहुत स्वागत किया, सोने के सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। उनकी जो बेटी थी रत्नमाला और उनकी पत्नी जो थी विंध्यावली, वो देखती रह गई थी वामन जी के रूप को। रत्नमाला ने जब उनका रूप देखा तो कहा, हाय कितना सुंदर बालक है ये, काश ये मेरी कोख से पैदा होता तो मैं इसे पेट भर के दूध पिलाती और अपनी आत्मा को शांत करती। तो भगवान ने मुस्कुरा करके उस समय कहा था, धीरज रखियो माई, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो पहले तेरा ही दूध पीऊंगा। अभी तो वरदान दिया, क्यों? क्योंकि भगवान को जो भी जिस भावना से पुकारता है, जिस भी भावना से देखता है, भगवान उसको वरदान दे देते हैं। क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे हैं। भावात विद्यते देवः, भावना में भगवान का वास होता है। लेकिन जब परमात्मा ने 3 पद भूमि का दान मांगा राजा बलि से और अपने रूप को विराट बनाया, तो उस रूप को देख करके यही माई जो अभी दूध पिलाने की बात कर रही थी, ये बोल पड़ी कि अगर मेरे पास कोई शक्ति यंत्र होता तो मैं अभी इसी वक्त इसे मृत्यु के घाट उतार देती। तो भगवान ने कहा, जैसी सारी इच्छा, दूध भी पीऊंगा लेकिन मृत्यु के घाट मैं नहीं, तुझे उतारूंगा। यही तो रत्नमाला है जो आगे पूतना बन के आने वाली, यही है वो। यही से परमात्मा ने सारा नियोजन लगा दिया। 3 पद भूमि का दान मांग लिया और राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया और परमात्मा उसके इस भावना को देख करके कई महीने पाताल लोक में राजा बलि के राजमहल की चाकरी करने लग गए थे। हम कहते हैं ना कि 4 महीने भगवान सोते हैं, 4 महीने भगवान सोते नहीं हैं,
चार महीने भगवान पृथ्वी पर आते हैं, हमारे बीच आते हैं, किसी न किसी रूप को धारण करके वो हम तक पहुंचते हैं। इसीलिए तो चार महीनों में हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर आते चार महीने के लिए। राजा बलि की यह चाकरी की थी उन्होंने, और श्रावण बटी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में सुंदर रेशम का नाड़ा बांध करके उसे अपना भाई बनाया और बदले में भगवान को मांग लिया, और उस दिन से आज तक रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि हे परीक्षित, हाउ इज फीलिंग नाउ, प्लीज टेल मी दिस भागवत कथा। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान